शे जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार गुरुवे नमः जय श्री स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष नेतारम् भेत्ता कर्म भूभ्रता ज्ञाता वंदे तद गुण लंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सातवा अध्याय जिसमें संलेखना की चर्चा चल रही है कल देखा था कि भक्त प्रत्याख्यान जो मुनि अपने क्रम से भोजन आदि का त्याग करते हैं कषायों का क्रश करते हैं और यह सल्लेखना को प्राप्त होते हैं मुनि जो सल्लेखना धारण करते हैं तो किसी न किसी निर्यापक की आवश्यकता पड़ती है निरापक आचार होना बहुत जरूरी है निर्यापक आचार का मतलब होता है जो उनकी संलेखना का निर्वाह करवा दें जो उनकी साधना को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करा दें ऐसे निर्यापक आचार हुआ करते हैं निर्यापक आचार के अभाव में आचार्यों ने कहा है कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि कोई नाव अनमोल रत्नों से भरी हो और उसे बिना मल्लाह के छोड़ दिया जाए इस पार से उस पार होने के लिए तो अंततः क्या होगा वह नाव जो है वो पानी में डूब जाएगी रत्नों को भी लेकर के डूब जाएगी अतः मल्लाह के होने पर वह अनमोल जो रत्न हैं इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं ऐसे ही निर्यापक जो आचार होते हैं वह छपक राज की समाधि में इतने साधन बन जाते हैं साधक बन जाते हैं कि उस जो छपक राज हैं उसको पूर्ण रूप से संलेखना की जो विधि है उसे कराते हैं और वह छपक निशल होकर के और किसी भी प्रकार का जो अशांत भाव हैं उनको ना करते हुए शांत परिणामों से अपनी समाधि मरण करते हैं आगम सूत्रों को जानने वाला हो बलिष्ठ हो रत्नात्रय का पूर्ण पालन करने वाले हों निरतिचार रूप से अपनी साधना करते हों निर्दोष हों निर्लोभी हों निर्मोही हों ऐसे अनेक प्रकार के गुण उनके अंदर होते हैं ऐसे आचार निर्यापक आचार छपक राज की समाधि करने में जो हैं साधक बनते हैं सल जो अपन ने तीन भेद किए थे भक्त प्रत्याख्यान इंगनी मरण और प्रायोग गमन मरण आज अपन इंगनी मरण जो दूसरे नंबर का सल है उसको देखते हैं इंगनी मरण का अर्थ होता है कि जो स्वयं अपनी सेवा दूसरों से कराते नहीं हैं वैयावृत्ति आदि कराते नहीं हैं लेकिन अपना काम स्वयं कर लेते हैं अपनी वैयावृत्ति स्वयं कर लेते हैं अपना ध्यान स्वयं रख लेते हैं इस प्रकार के जो छपक हैं वो इंगनी मरण करने वाले कहलाते हैं इंगनी मरण वाले जो मुनिराज होते हैं वह आहार आदि का त्याग करके किसी और साधु से वैयावृत्ति आदि नहीं कराते हैं वे वन में एकाकी रहते हैं अपना उठना बैठना चलना फैलना संकोच कर संकोचना सोना उठना आदि जितनी भी टहल है वे स्वयं करते हैं दूसरों से नहीं करवाते हैं कदाचित बिना करवाए कोई करे तो आप मौन भी रखते हैं कहते नहीं हैं कोई यदि कदाचित कर देता है तो उसमें किसी प्रकार का वह बोलते नहीं हैं मौन हो जाते हैं इंगली मरण करने वाला जो छपक होता है वो कैसे होते हैं तो जो दिन चक्षा के योग होते हैं दिगंबर वेश को धारण करने वाले होते हैं जैन आगम को भली भांति से अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं उनके अभ्यासी होते हैं विनयी और शांत होते हैं दीक्षा के अनंतर अपने सृ को रत्नात्र की साधना में निष्पन्न किया है इंगनी मरण को प्राप्त करने की जिनकी इच्छा हुई है परिणामों की निर्मलता की श्रेणी में जो स्थित हैं तपोभावना श्रुत भावना, भावना ज्ञान भावना से जो सम्पन्न हैं और जिन्होंने काय और कषाय दोनों को जीत लिया है क्रश किया है ऐसे जो मुनिराज छपक हैं वो इंगनी मरण करने के अधिकारी होते हैं इंगनी मरण करने की कुछ विधियाँ होती हैं उनके बारे में जान लिए लेन, जान लेना चाहिए साविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान इसकी विधि समझना चाहिए जैसे अपन ने भक्त प्रत्याख्यान में साविचार जो भक्त प्रत्याख्यान की विधि समझी थी उसी प्रकार किसी विधि समझना चाहिए अपने गण को साधु आचरण के योग बनाकर इंगनी मरण साधने के लिए परिणत होता हुआ पूर्व दोषों की आलोचना करता है अपने संग में जो साधु हैं उनको गणपोषण बना दिया आचार बना दिया मुनि जो होकर के वह इंगनी मरण की ओर अग्रसर होते हैं संघ का त्याग करने के पहले अपने स्थान पर दूसरे आचार को स्थापित करते हैं और बाल वृद्ध आदि सभी गण से क्षमा कर लिए प्रार्थना करते हैं सभी साधु संतों के संग से अपने से क्षमा मांगते हैं कि मैंने यह आचार अवस्था में किसी प्रकार के कोई अनुशासन में या किसी प्रकार से आप लोगों को दुख हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करें कण से निकल कर के अंदर बाहर के समान ऊंचे और ठोस जो स्थडिल का आश्रय लेते हैं अर्थात ऐसी शिला का आश्रय लेते हैं कि जहाँ पर कोई जंतु ना हो कहीं पर कोई जीव आदि ना हो और अपने संघ से निकल करके वो ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं ग्राम आदि से याचना करके लाए हुए तरण उस पूर्वक स्थल प्रयत्न पूर्वक बिछा कर तैयार करें जिसका सराहना पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें इस प्रकार से कोई तरण आदि हो उसको बिछाएं और उसमें वो लेट जाते हैं आहार आदि का त्याग कर देते हैं और किसी से भैया बत्ती आदि नहीं कराते हैं कोई आहार का विकल्प आदि नहीं पालते हैं अरहंत आदि की भक्ति और रत्नात्रय को निर्देश रूप से पालन करते हैं अपने समस्त दोषों की आलोचना करते हैं ऐसे मुनिराज स्वाध्याय वाचना आदि नहीं करते हैं जो उनको सुत्रात भावित हैं भाषित हैं उन्हीं का ही वह चिंतन मंथन मनन आदि करते रहते हैं आठों पहरों में निद्रा का त्याग करके एकाग्र मन से तत्वों का वह विचार करते हैं किसी प्रकार की निद्रा नहीं लेते हैं कथनचित निद्रा आती है तो वो लेते भी हैं लेकिन स्वयं पूर्वक निद्रा आदि नहीं लेते हैं स्वाध्याय काल और शुद्धि आदि क्रियाएं उनको नहीं होती हैं समशान में भी ध्यान आदि वो कर सकते हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो कठोर साधना करते हैं यथाकाल जो शटावश्यक कर्म निमित रूप से वो करते ही करते हैं सूर्योदय व सूर्यास्त में प्रयत्न पूर्वक उपकरणों की पतल लेखना करते हैं मतलब सूर्य उदय जब हो उसके पहले अपने जितने भी उनके उपकरण हैं उनकी प्रति लेखना कर लेते हैं और सूर्य अस्त जब हो रहा हो तो उसके पहले अपने समस्त उपकरणों की प्रतिलेखना करते हैं पैरों में कांटा चुभने और नेत्र में रज कण पड़ जाने पर भी वे स्वयं नहीं निकालते हैं और दूसरा निकाले तो वो मौन आदि धारण कर लेते हैं आदि अनेक प्रकार से जो रोग आदि हो जाने पर भी उसका प्रतिकार आदि नहीं करते हैं ऐसे जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जो मुनिराज हैं बलवान हैं रत्नत्रय के साधक हैं वे मुनिराज ही इस प्रकार का मरण करते हैं तीसरा जो मरण है प्रायोगमन मरण है प्रायोगमन मरण में जो मुनिराज होते हैं वह दूसरों से वह व्यक्ति तो कराते ही नहीं हैं स्वयं भी अपनी किसी प्रकार से वैयावृत्ति आदि नहीं करते हैं वे एकांत स्थान में अपने आसन लगा करके बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं कास्टवत काष्ट की तरह जो स्थिर रहते हैं ऐसे धीर वीर मुनिराज यह मरण करते हैं इसकी विधि भी पूर्णतः इंगनी मरण की तरह ही है जैसे पूर्व में बताया यह मुनिराज न हिलते हैं न डुलते हैं एक ही स्थान पर रहते हैं न लघु संका न दीर्घ शंका आदि किसी के लिए भी वह उठते नहीं हैं वह बिल्कुल मृतक की तरह है। जैसे शव है पड़ा रहता है इसी प्रकार से वो मुनिराज भी शरीर का त्याग करते हुए अपने आत्मा में ही स्थित होकर के अपने उपयोग में ही मग्न रह करके ध्यान में लीन रह करके वह शरीर के प्रति उपयोग चेंज कर देते हैं चाहे उस शरीर के ऊपर चीटी लगें मकोड़े लगें आदि अनेक जानवर आकर के उसमें आक्रमण करें वो किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते हैं शरीर के प्रति उनका एक उपयोग भी नहीं जाता है समस्त उपयोग जो है अपनी आत्मा की ओर लगाते हैं अपने वितराग परिणाम की ओर लगाते हैं ज्ञायक भाव से ज्ञाता दृष्टा भाव से वह इस प्रकार का अवलोकन करते हैं ऐसे प्रयोग गमन वाले जो मुनिराज हैं वो सर्वश्रेष्ठ मुनिराज कहलाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा भक्त प्रत्याख्यान मरण मरण और प्रायोग गमन मरण ये तीनों की तीनों प्रकार के जो मरण हैं वह मुनिराज ही करते हैं अन्न और कोई श्रावक आदि इस प्रकार का मरण नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी शक्ति ऐसे रत्नात्रय के प्रति उनकी विशुद्धि यह जो है मुनिराज ही कर सकते हैं इतना उत्कृष्ट जो तप है ऐसा तप का पालन ऐसी चार प्रकार की जो आराधना का पालन जो है वो मुनिराज ही कर सकते हैं और यह मरण ही श्रेष्ठ मरण कहलाता है जहाँ पर किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती हैं संसार के प्रति समस्त इच्छाओं का अभाव कर देते हैं शरीर के प्रति भी जिनका परिणाम नहीं जाता है और अपने आत्मस्थ रह करके अपनी आत्म साधना करते हैं यह है उत्तम मरण कहलाता है सल में यह उत्तम ही मरण है तीनों नवोस्तु अचय श्री अभी जो आपने तीन प्रकार के मरण बताए हैं इनको अगर पालन करें तो कौन सी गति का बंद होगा पंडित मरण के ये तीन प्रकार के भेद कहे हैं शास्त्र में भक्त प्रत्याख्यान जो मरण करने वाले होते हैं वे मुनिराज तो नियम से वैमानिक आदि देवों में उत्पन्न होते हैं अच्छे देव पर्याय को प्राप्त होते हैं जो दो प्रकार के मरण बताए हैं इंगनी मरण और प्रायोग मरण यह उत्कृष्ट मरण हैं इसमें कोई कोई मुनिराज उसी भाव से आदि को प्राप्त होते हैं और कोई मुनिराज वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं वैमानिक देव में कल्पोपन और कल्पातीत अर्थात सोलह स्वर्ग और सोलह स्वर्ग के ऊपर भी जो नवग्रेवक नवोन्दिश और पांच अनुत्तर आदि हैं उनमें भी उनकी उत्पत्ति पाई जाती है इस प्रकार से देखा जाए तो यह मरण करने वाले जो जीव हैं वो भवनवासी वैंतर और ज्योतिष में उत्पन्न नहीं होते हैं वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं यदि देवगति में जाते हैं अन्यथा इंगनी और प्रयोग गण करने वाले जो मुनिराज हैं वो उसी भाव से अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं और मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं यह है उनका मरण का उत्तम फल है शास्त्रों में अनेकों स्थानों पर सल्यखना के फल भी बताए गए हैं कि सल करने वाले जैसे उत्तम स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं उसमें विशेष सिद्धियाँ को प्राप्ति होती है और फिर मनुष्य आदि भाव में आकर के मुनि बन कर केवल ज्ञान आदि को उत्पन्न करके मोक्ष आदि को भी प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार से भी उनके फल बताए गए हैं और उत्तम मध्यम और जगन इस प्रकार से समाधि करने वालों की भी फल शास्त्र में कहे हैं कि जो रत्नात्रय का पालन जगन्न रूप से करते हैं तो वो संसार में कम से कम बत्तीस भाव जो हैं वो जन्म ले सकते हैं और जो मध्यम रूप से रत्नात्रय का पालन करते हुए समाधि मरण करते हैं तो वह सात या आठ भाव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उत्कृष्ट रूप से रत्नात्रय का पालन करते हुए जो समाधि मरण करते हैं वह जो जीव हैं अधिक से अधिक दो तीन भावों को धारण करते हैं और इसके बाद वो नियम से मोक्ष आदि को प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार से हमारे जीवन का जो लक्ष्य है साधना करते हुए रत्नत्रय को निर्दोष रूप से पालन करते हुए आत्मा की विशुद्धि बढ़ाते हुए संलेखना के भाव जरूर धारण करना चाहिए हम सभी लोग भावना भाते हैं समाधि भावना भाते हैं दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊँ तो दिन रात मेरे स्वामी ये भावना भा रहा हूँ मैं क्या भावना भा रहा हूँ देहांत के समय जीवन के अंत में मैं आपको भी और आपके साथ साथ मैं अपने स्वभाव को अपनी आत्मा को ना भूल जाऊं अपने रत्नात्रय को ना भूल जाऊं अपनी सच्ची श्रद्धा सच्चा ज्ञान और सच्चा जो चारित्र है सच्ची जो आराधना है उसका मुझे पूर्ण पूर्ण स्मरण हो ऐसी मंगल भावना भाई जाती है तो ऐसी मंगल जो भावनाएँ हैं हमें प्रतिदिन भाना चाहिए और प्रति समय भाना चाहिए जिसने अपने जीवन में अजरता अमरता का स्वाद नहीं चखा वो समाधि नहीं ले पा सकते इसलिए समाधि लेने वाला अजरता अमरता का स्वाद चखता है कि मैं नहीं मरता हूँ मेरा मरण नहीं होता है जो मरण होता है वो शरीर का होता है मेरा आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है इस प्रकार का उसके मन में जो ये भाव है भाव वशन है इसी से ही उसका जो मरण उत्कृष्ट मरण होता है जिससे उसे उत्तम उत्तम फलों की प्राप्ति होती है संका, शंका विचिकित सान्य, सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्य दृष्टे रति चारहा एक बार पुनः शंका विचिकितान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्यक दृष्टे रतिचारा इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ बोर्ड के माध्यम से भी इसका उच्चारण करते हैं इसके अर्थ को भी संधि विच्छेद करते हुए समझते हैं सप्तम अध्याय का सूत्र नंबर तेईसवा शंकांक्षा विचि कित सान्य या था कह जाएंगे विचि कित सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्था विसर्ग्रिय संस्था सम्यक दृष्टि रतीचारा सम्यक दृष्टे रति चारहा फिर देखिए शंका विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रति चारहा अब देखिए यहाँ पर शंका एक कांक्षा दो विचिकित्सा यहाँ तक तो लेना विचिकित्सा दो तीन हो गया और इससे निकलेगा आ तो अन्य दृष्टि और ये अन्य प्रशंसा तो अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्था जो अन्य दृष्टि है ये प्रशंसा के साथ भी और संस्थाओं के साथ भी जोड़ना तो अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्थवा कितने हो गए पांच पहला शंका दूसरा कांक्षा तीसरा विचिकित्सा तीसरा अन्य दृष्टि प्रशंसा चौथा है पांचवा अन्य दृष्टि संस्था इस प्रकार से पांच सम्यक दृष्टि इससे निकलेगा अति चारहा संधि करेंगे सम्यक है सम्यक दृष्टि के, सम्यक के का एक सम्यक दृष्टि के अति चारा। ये बहुवचन में है क्योंकि ये पांच हैं इसलिए इसको बहुवचन में अति चार हैं शंकाकांक्षा विचिकित्सा अन्न दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्थाओं ये सम्यक दृष्टि के पांच अतिचार कहे गए हैं तो सम्यक दृष्टि के जो अतिचार हैं पांच प्रकार के वो यहाँ बता रहे हैं शंका कांक्षा देखिए सबकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है पहला लिखा हुआ है शंका आत्मा को अखंड अविनाशी जानकर भी सात प्रकार के भय को प्राप्त होना वह शंका है और जो सामान्य परिभाषा आती है वह यह है कि जिन्होपदेश जो तत्व हैं उन पर शंका करना जिनेन्द्र भगवान ने जो कुछ भी बताया है उन्होंने अपने केवल ज्ञान के बल से बताया है केवल ज्ञान में जो उनको झलका उन्होंने वो उपदेश दिया है और हमने उसको सुना या पढ़ा और उसमें किसी प्रकार का शंका पैदा होती है तो वह शंका जो है आचार्यों ने कहा वो अतिचार है यद्यपि सम्यक दृष्टि जैनंद्र भगवान की समस्त वाणी पर सहज रूप से स्वीकार करता है श्रद्धा आस्था विश्वास रखता है लेकिन फिर भी जो तत्व समझ में नहीं आते हैं तो उनमें शंकाएँ पैदा हो जाती हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा हुआ है कि जो सात प्रकार के भय होते हैं वो सात प्रकार के भय भी होना क्योंकि जिनेन्द्र भगवान तो कहते हैं कि न हमें तो मरण का भय है न वेदना का भय है क्योंकि न मेरी आत्मा तो मरती है न किसी प्रकार की वेदना होती है आदि अनेक प्रकार से सात प्रकार के जो भय बताए हैं फिर भी उस जीव को किसी प्रकार का भय उत्पन्न होता है तो वो अति है जब मैं मरता ही नहीं हूँ तो फिर मरण का किस प्रकार का भय जब वेदना होती ही नहीं है तो वेदना का किस प्रकार से भय इसी प्रकार से अगुप्ति भय अरक्षक भय मेरा कोई रक्षक नहीं है मैं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ आकस्मिक भय अचानक कोई घटना घट जाए उसका भय बना रहना ये जो शंका है ये नहीं होना चाहिए पर फिर भी किसी समय दृष्टि जीव को कदाचित पाई जाती है तो वह अतिचार हुआ करता है कांछा इस लोक और परलोक में भोग आदि सामग्री की वांछा होना जो सामग्री है जो भोगों के लिए उपयोग की जाती है लिए अपने अन्न में वांछा होना इच्छा होना अभिलाषा होना कि मुझे ये चीज की प्राप्ति हो जाए इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए इस प्रकार का जो कांक्षा का भाव है वह कांक्षा का भाव भी जो है अतिचार ही है यद्यपि मांगना ही जो है वो अतिचार है तो हम जो हैं मांगें भावना रखें ये प्राप्त हो जाए ऐसा भाव रखना कांक्षा है तीसरे नंबर में यहाँ लिखा हुआ है विचिकित्सा दुखी रोगी दरिद्री इत्यादि मनुष्य त्रियंश अथवा मुनिराज के शरीर को देख कर के गिलानी करना कोई मनुष्य है बहुत दुखी है या रोगी है या निर्धन है तो उसको देख कर के उससे गिलानी करना या कोई त्रियंश है वो बहुत दुखी है तो उसको देख करके गिलानी करना या मुनिराज आदि हैं उनके शरीर आदि को देख करके जो गिलानी के भाव जो घृणा के भाव आते हैं वो विचिकित्सा होते हैं तो समय दृष्टि को भी कदाचित कभी कभार ऐसा परिणाम आ जाए तो आचरण कहते हैं वो उसका वो अतिचार है यद्यपि वो मुनिराज की विनय भाव रखता है लेकिन कभी कभार जैसे मुनिराज आहार कर रहे हो तो कुल्ला कर रहे हो या उनके शरीर में मल आदि लग गया हो तो उसको देख करके गिलाने का परिणाम आ जाए मुनिराज से गिलाने नहीं है मुनि धर्म से गिलाने नहीं है लेकिन बाह्य प्रवृत्ति से एक प्रकार से मन में कोई विचार आ जाते हैं तो आचरण कहते हैं वो समय दृष्टि का अतिचार है ऐसे ही मनुष्यो तिरंचों को देख करके कभी मन में इस प्रकार का परिणाम आ जाए तो संभव दृष्टि का वो अतिचार है चौथे नंबर लिखा है अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि प्रशंसा मतलब क्या अन्य दृष्टि जो अन्य दृष्टि है अन्य मति हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं उन मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र आदि को देख करके मन में भला जानना बहुत अच्छा बोला है बहुत अच्छा कहा उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता मार बताया बहुत बढ़िया उनको ज्ञान है इस प्रकार से जो अन्य दृष्टि है उनकी मन में प्रशंसा होना मन में उसको अच्छा मानना भला मानना तो ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है अन्य दृष्टि संस्थाओं में लिखा है मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित आदि को देख बचनों से प्रशंसा करना बचनों से बोलते रहना फिर बचनों से चालू हो जाना कि देखो भैया उन्होंने ऐसी बातें कही हैं अहिंसा की सत्य की और भी बातें कही हैं वो सारी की सारी जो बातें हैं उनकी भी प्रशंसा आदि करते रहना देखिए सभी लोग जो हैं गलत ही बोलते हैं ऐसा नहीं है वो भी बहुत थोड़ा बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन वो मिथ्यास से जहर से घोला मिला हुआ है इसलिए वो भी ग्रहण करने लायक नहीं होता है लेकिन कभी कभी समय दृष्टि के मन में यदि उनके प्रति अच्छा विचार आ जाए या फिर उनकी प्रशंसा आदि हो जाए उन धर्म की उन ज्ञान की उन चारित्र की तो आचरण उन कहते हैं वह भी एक प्रकार का अतिचार है इस प्रकार से इन पांचों प्रकार के अतिचार का अभाव सम्यक दृष्टि को होना चाहिए और यदि पांचों प्रकार के अतिचार लगते हैं तो वो अतिचार सहित सम्यक दर्शन छवोपषम सम्यक दर्शन है क्षय सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसकी अभी सम्यक प्रगति का उदय चल रहा है और वो जो सम्यक प्रगति है वो मिथ्यात् ही एक तीसरा भेद है जिसमें उदय में जीव को श्रद्धांत तो होता है देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है सच्चा श्रद्धांत भी होता है लेकिन कभी कभी जीवन में उसे शंका आदि ये पांच जो अतिचार हैं वह लग जाते हैं और इन अतिचारों के कारण उसका जो सम्यक दर्शन है वो निर्दोष नहीं हो पाता है पच्चीस प्रकार के दोषों के अभाव करके जो सम्यक दर्शन होता है वही सम्यक दर्शन छाई सम्यक दर्शन होता है लेकिन 25 प्रकार के दोषों में से किसी प्रकार का भी दोष होता है तो वो सम्यक दर्शन जो होता है वो अतिचार पूर्वक होता है तो वो 25 प्रकार का जो निर्दोष सम्यक दर्शन है उसके ही पांच अतिचार आचारों ने यहाँ पर भी बताए इसकी चर्चा कल अपन विशेष रूप से और करेंगे आज यहाँ पर ही स्वाध्याय संपन्न करते हैं आइए जनवाणी स्थिति करते हैं जावाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सभी को सादर जय जिनेन चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पाँचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जय जिनेन्द